अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है लंदन का न्यू ईयर। आज हम न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ग्लासगो जाने से पहले मैंने सोचा कि लंदन का न्यू ईयर देख लें, जिसका सुना तो बहुत था कि जी लंदन का न्यू ईयर होता है, तो आज अपनी आँखों से देखेंगे कि जी लंदन का न्यू ईयर कैसा है। अभी तो बस में बैठे हैं मैं और अहमद भाई, फिर अभी हम वहाब को लेने जा रहे हैं, फिर हमजा आएगा वहाँ पे और अहमद भाई वगैरह के दो चार दोस्त हैं, तो सब यहाँ से इकट्ठे होके जाएंगे सेंट्रल लंदन। कहाँ पे होती है आई लंदन आई में लंदन टावर ब्रिज जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे देखेंगे जी यूके की जो न्यू ईयर नाइट है वो कैसी होती है। जी ये मैं, हमजा, वहाब और अहमद भाई आ गए हैं। ये हम अब जा रहे हैं सेंट्रल लंदन, लंदन आई, जहाँ पे होना है फायरवर्क्स। लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं कि जी फायरवर्क्स देखना है कि नहीं देखना, या सिर्फ वहाँ पे घूम फिर के वापस आ जाना है। अभी फायर न्यू ईयर होने में अराउंड 2 घंटे पड़े हुए हैं जी। जी वो सामने द नेशनल गैलरी है, ये वो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे शाहरुख खान ने अपना गाना वो नहीं रिकॉर्ड किया था छल्ला के लब्दा फिरे, वो सामने बर्मिंगम पैलेस है। रात है, नाइट है, इस वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये वो है, क्या कहते हैं स्क्वायर का नाम मैं भूल गया हूँ, अभी वहाब नाम ले रहा था। ये है वो चौंक, ये है वो जगह, चौंक कह लें, जगह कह लें, स्क्वायर कह लें, जो भी आपको ठीक लगे। ये है वो टोटली जगह, वो सामने गैलरी बताया था, वो दिस इज़ बर्मिंगम पैलेस। और ये है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, लोग उधर बैठे हुए हैं। ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर अभी हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर हो गया है, और फायरवर्क्स अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं देख सके क्योंकि उसकी टिकट थी और टिकट हमें यहाँ से मिल नहीं रही थी, और हम लोग लेट हो गए थे काफ़ी, सारे रोड्स ब्लॉक हो गए थे, तो फायरवर्क्स हम देख नहीं सके। बट हम ये बर्मिंगम पैलेस के पास खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि चलो अब होगी हमें नज़र आएगी फायरवर्क्स नज़र आएगी, लेकिन यहाँ बिल्डिंग्स इतनी ऊँची ऊँची है, नज़र ही नहीं आई फायरवर्क्स। और जहाँ पे हम थे वहाँ पे आई थिंक मिलियंस में पीपल लोग थे, यहाँ पे लोग मिलियंस में आए हुए थे। और अब दिखाता हूँ मैं कैसे लोग वापस जा रहे हैं। बहुत अब लोगों की वापसियां स्टार्ट हो गई हैं। ये एक यहाँ से शायद नज़र आया आपको, ये हो रहा है फायरवर्क इधर, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी होने की वजह से हम लोग नहीं देख सके। अब वापसी की तैयारियां, अब ट्रेन तो चलेगी नहीं, अब बस में जाएंगे, और जितना रश है लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ, हमें बस मिलती है या नहीं मिलती। पूरा 1 घंटा खड़े होकर वेट किया फायरवर्क्स का कि हमें नज़र आएगी, बट नहीं नज़र आई। लेकिन इट्स ओके, गलती हमारी है, हमने टिकट नहीं ली, हमें आईडिया नहीं था कि टिकट हमें मिले, इसकी टिकट होती है। तो वैसे खड़े ही वेट करते रहे हैं और इन्जॉय किया है। इंशाल्लाह नया साल मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह हम सबके लिए और सबकी जो जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। जो लोग अभी तक जिनकी ख्वाहिश यूके आने की है और वो नहीं आए, वो भी जल्दी जल्दी यूके आए। मेरा एक नया साल, ज़िंदगी का एक नया साल, एक नए मुल्क के अंदर, एक नई कंट्री के अंदर शुरू हो रहा है। मैं दुआ करूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ कीजिएगा कि
मेरे लिए भी ये अच्छा साल साबित हो और मुझ समेत आप सबके लिए भी अच्छा साल साबित हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इंशाल्लाह मेरी कल मैं ग्लासगो जा रहा हूँ तो ग्लासगो की जर्नी शेयर करूँगा। अपना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।